Hey guys, what is up? So, उन सब लोगों के लिए जो बहुत टाइम से कह रहे थे कि भाई ब्लॉगिंग चैनल बना लो, गेमिंग चैनल बना लो, कुछ BTS VTS डाल दिया करो, कुछ छोटी मोटी वीडियो डाल दिया करो बीच में, खुश हो होना। So, I am really excited about this new channel. ऐसा लग रहा है जैसे 3 साल के बाद एक दूसरा बच्चा हुआ है। Not funny. तो ये तो थी चैनल की बात, अब करते हैं अपनी शॉर्ट फिल्म की बात। आई नो बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे कि 30-40 मिनट का कंटेंट तो ऑलरेडी बनाते ही थे, तो फिर इस 30 मिनट की वीडियो को ऐसे शॉर्ट फिल्म की बोल रहे हैं। बहुत सारे रीजंस हैं, जैसे पैसे बहुत लगे। मूविंग ऑन, तो बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि 2 महीने से वेब शो बोल के क्या 30 मिनट का कॉन्टेंट पकड़ा दिया। मैं सब कुछ एक्सप्लेन करता हूँ शुरू से। ऐसा है, चुनाव जीतना चाहती है ना, चुपचाप बस नारा लगाएंगे लोक स्वराज पार्टी। बहन चोद, मैं भी एक गांडफाड़ वेब सीरीज बनाऊंगा। तो वेब सीरीज के लिए मैं बहुत एक्साइटेड था, हूँ भी क्यों ना, रोज थोड़ा ना बनाते हैं यार। लेकिन जितनी अच्छी वेब सीरीज आप बनाना चाहते हो उतना ही अच्छा उसमें टाइम भी लगता है, स्पेशली स्क्रिप्टिंग में, क्योंकि सब कुछ उस पर डिपेंड करता है। अक्टूबर 5, होपफुली जल्दी हो जाए। नवंबर कब आ गया भाई? भोसड़ी के हो क्या, वीडियो क्यों नहीं डाल रहे? माधवचोद, वीडियो डालना, वीडियो क्यों नहीं डाल रहा टट्टी? वेब सीरीज को थोड़ा बैकफुट पे डालना पड़ेगा और बीच में एक वीडियो बनानी पड़ेगी, पर क्या जल्दी सोचनी पड़ेगी। लेकिन कॉमेडी नहीं बना सकते क्योंकि बहुत कॉमेडी हो गया है, थोड़ा कुछ अलग बनाना है। ऐसे में सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप सारा काम होल्ड पे डालो और 1-2 दिन के लिए थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, सबसे दूर होके सिर्फ अपने दोस्तों के साथ और अपने टीममेट्स के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो। क्या 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 बता रहा था कि इसने 10th क्लास में एक लड़की को प्रपोज किया, उसने सबके सामने क्या मैं बताती हूँ, कभी नहीं भाई, कुछ और बात कर लो यार, उस टाइम में शायद था भाई। मैं अभी भी शायद क्या स्क्रिप्ट का आइडिया ढूंढने वाली चीज हमेशा आपके सबकॉन्शियस में चलती रहनी चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता क्या चीज कब क्लिक कर जाए। जैसे अभी देखो, भोला और सैंडी भाई और भूपेंद्र अभी तो सुपरस्टार है, पर स्कूल टाइम पे कहानी कुछ और थी। मतलब ये भाई खुद ही बताता है कि पूरी लाइफ सिंगल रहा है, अब हरकतें भी कुछ ऐसी थी। तो फाइनली वीडियो का टॉपिक मिल गया था, सिंगलहुड। काफ़ी रिलेटेबल सा भी है, पर ट्रीटमेंट थोड़ा सा अलग करने का मन था। थोड़ा दिमाग लगाया तो फाइनली चीज़ें ऐसी बनी कि एक ऐसा लड़का जो पैदा हुआ और उसकी माँ गुजर गई, था वो नाजायज, पापा ने बॉय स्कूल में करा दिया, फिर मैकेनिकल इंजीनियर बना और वियर्ड सा हो गया, और फाइनली जब एक ऑफिस के अंदर पहुँचा नौकरी करने के लिए तो चारों तरफ वहाँ पे एकदम से बहुत सारी सुंदर लड़कियाँ दिखी तो परेशान हो गया। यही स्टोरी का मेन कॉन्फ्लिक्ट था और मेरे लिए कॉन्फ्लिक्ट ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर कॉन्फ्लिक्ट अच्छा है तो आपकी पूरी वीडियो अच्छी है। स्क्रिप्ट खत्म, प्री प्रोडक्शन खत्म, शूट शुरू। Day 1, कोई ज्ञान नहीं दे रहा, पर ये शूट के टाइम पे काला मेकअप कराते हुए एक बात रियलाइज हुई, ये क्या हम बचपन से, मतलब मैं भी, क्या काला गोरा करते हुए आ रहे हैं। अभी मेकअप कराने के बाद मेरा पूरा चेहरा काला था, तो बंदा तो मैं सेम ही था अंदर से, इमोशन से, दिमाग से। पर आई थिंक हमारी भी गलती नहीं है, वो फेयर एंड लवली का ऐड देखा है बचपन से, 10 टोन तक पाए गोरापन, तो थोड़ा टाइम लगेगा, पर आई थिंक ये वाली चीज़ ठीक हो जाएगी। मुझे रियलाइज़ हुई इस मेकअप कराने के बाद, बहुत हेवीली रियलाइज़ हुई, तो आई
थॉट ये शेयर करनी चाहिए कैमरा के साथ बीच में वो इस तरह से आ सकते हैं इसी तरफ से कैमरा देख रहे हो रेड 25 लाख रुपए का है पता कितनी जीरो होती है जोक्स अपार्ट जब से वीडियो बनानी स्टार्ट की थी फ़ोन से वीडियो बनानी स्टार्ट की थी तब से ये सोचा करते थे कि कभी ऐसी वीडियो बनाएंगे जो फिल्म जैसी दिखे और अब मौका मिल रहा है तो कर रहे हैं पर पैसे नहीं बच रहे एक भी रुपया नहीं बच रहा गाड़ी वाड़ी कुछ नहीं ले पा रहे इसे ट्रैक और ट्रॉली कहते हैं ट्रैक इन शॉर्ट बाहुबली देखिए वो कटप्पा के मुंह पे शिवगामी देवी के मुंह पे वो तलवार निकालते हैं उसके मुंह पे एंट्री पे इसे इंटेंसिटी बन जाती है हमारी वीडियो में भी बनी हुई है एक दो जगह लगी है तो पर बनी है मतलब बनाई है हमने वन टेक शॉट बेस्ट लगते हैं पर जितने देखने में अच्छे लगते हैं उतने ही मुश्किल होते हैं क्योंकि सबकी कोरियोग्राफी आपको एक जैसी करनी पड़ती है और एक बंदे की गलती और पूरा शॉट दोबारा डे टू तो डे वन पे अपने ने पहली बार जिंदगी में ऐसे रेड कैमरा से शूट किया था तो ऐसे मजे मजे में हम बस खुशी हो रहे थे अरे मन कर रहा ना बनाए इसी पे फोकस कर लिए तो थोड़ा डिले होगी चीज़ें और डे टू में फिर हमें रश करना पड़ा कर लेंगे अब ये खाली सेट देख रहे हो खाली सेट के अंदर जान भर देती है लाइट और आर्ट ठीक है इसके बाद आता है पार्टी का सीक्वेंस मतलब सिनेमैटिकली मेरा फेवरेट पार्टी के अंदर जब लाइटें वाइटें ऐसी हो जाती है माहौल ऐसा बन जाता है तो लगता है सही में कि यार कुछ अच्छा शूट कर रहे हैं कुछ मज़ा आ रहा है करने में स्पेशली जब आप रॉनिन यूज़ करते हो एक एक टेक में आप सारी चीज़ें लेते हो तो हर भी ज़्यादा मज़ा आता है एक सिंगल क्रिएटर ना ऐसे रावण की तरह होता है मतलब स्क्रिप्टिंग भी एक्टिंग भी डायरेक्शन भी एडिटिंग भी और कई बार तो कैमरा पकड़ के खुद ही डीओपी भी बड़े खतरनाक होते हैं ये लोग इन्हें ऐसे नॉर्मल किसी एक्टर से कंपेयर मत किया करो और कुछ लोग पर मैं अकेले कुछ नहीं हूँ मेरी टीम के बिना आई मीन आई लव माई टीम भाई शूट के बारे में कुछ बताओ शूट शूट पे तो हमेशा मजा ही आता है
आ गया भाई, गांड फट गई। गंदी बातें करना, कैमरा खुला है, गंदी बातें करना। इस शॉर्ट फिल्म में मेरा बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था। जब शिवम ने मुझे स्क्रिप्ट सुनाई, ओ माय गॉड, मैंने कहा भाई क्या बकचोदी है ये, इसमें मेरा इतना सा रोल? अरे भाई स्क्रिप्ट की डिमांड, मैंने शिवम को बोला मेरे रोल की चिंता मत कर, बस वीडियो अच्छी बननी चाहिए। वीडियो चुदाई अपनी माँ, मेरे बिना चलेगी नहीं वीडियो, देख लियो। बोला कभी कभी चूतिया बातें करता है, इट्स ओके। आई होप वीडियो अच्छी चले भाई, इस पे लोवेस्ट व्यूज आए हैं। लोवेस्ट व्यूज आए हैं, क्या कर सकते हैं, अगली बार और मेहनत करेंगे। अबाउट आकांक्षा, आई थिंक शी इज वेरी हार्ड वर्किंग और बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत करती है वो तैयार होने में, घंटों, कभी कभी तो 3-4 घंटे लगातार बैठे रहते हैं हम कैमरा लाइट सब लगा के, दिमाग खराब। एक्शन, एक्टिंग इज माय पैशन। कैमरा इधर है। एक्टिंग इज माय पैशन, मैं ना हर बार ट्राई करती हूँ कि मैं कुछ ना कुछ नया ऐड करूँ वीडियो में। मेरी स्क्रिप्ट पढ़ी, वेरी नाइस, थैंक यू। तो इस बार क्या अलग करूँ मैं? इस बार एक काम करते हैं, बाल कर्ल करा ले और स्पेक्स पहन ले। एक्चुअली एक मेकअप आर्टिस्ट बुलाते हैं महंगा सा, ठीक है, वो सब कर देगा, तू चिल कर। और एक्टिंग में? एक्टिंग सेम रख, वो स्लो मोशन हो जाएगा ना वो तो। आई लव एक्टिंग। मुझे और मेरी टीम में तो सबको आप जानते ही हो, एक और आदमी जिसे आप जानते हो। YouTube में कहीं कहीं पूरे YouTube में किसी बाप का रोल अगर किसी ने लिखा है तो भाटिया जी के पास कॉल जाएगा। मतलब कादर खान से ज्यादा इन्होंने वो कर लिया, मेरे को लग रहा है जितनी कादर खान ने पिक्चर करी उससे ज्यादा इन्होंने वीडियो कर लिया YouTube पे। मेरे रहते हुए नहीं चलेगा ये सब। मतलब आज के टाइम पे लौंडे वोंडे मतलब आपकी बंदी हो गए थे, उल्टी सीधी नज़र वजर डाल दे तो कोई दिक्कत नहीं है, सिविलाइज लोग हैं, बातचीत करके सब सॉल्व हो जाते हैं, ऐसे लड़ने वाले तो ये सब ये सब। इसे खत्म करने के बाद कुछ थोड़े बहुत सीन्स और बचे थे, जैसे कि स्कूल का हुआ है, पर ट्रैकआउट जो हुआ ना, ट्रैकआउट जो मतलब चैनल देखेंगे और हाँ, तो बच्चे और भी मतलब यहाँ बैठे हुए हैं। साउंड रोलिंग, कैमरा रोलिंग एंड एक्शन। कॉलेज एंड एक्शन। और हॉस्पिटल, ये देख रहे हो रात हो रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे दिन। पैसा हो तो क्या कुछ नहीं कर सकते। फाइनल स्केड्यूल था घर का, और आप विश्वास नहीं करोगे, हमने दोपहर 12 बजे, पहले दिन का कॉल टाइम था 8 बजे का, हमने पैकअप करा 3 बजे, हमें लगा अगले दिन 8 बजे का नहीं दे सकते कॉल टाइम, तो हमने 9:30-10 बजे का दिया। हम 9:30-10 बजे पहुंचे, उसके अगले हमने पैकअप किया कुछ 5 या 6 बजे, हमें लगा हम 9:30-10 बजे का नहीं दे सकते, हमने 12 बजे का कॉल टाइम दिया। हम 12 बजे पहुंचे, अगले दिन 12 बजे घुसने के बाद सेट पे, अगले दिन 11 बजे दिन में पूरे 23 घंटे में शूट खत्म हुआ है। और ये इनकी शक्लें देख के आपको हर फ्रेम में, हर BTS के फ्रेम में आपको सोते हुए लोग दिखेंगे। पैसे पूरे लेके गए हैं ये, मैं एक भी रुपया कम नहीं किया और सोए हैं, और मतलब ठीक है काम भी किया पर सोए भी हैं। ऐसे लंबे शूट्स पे बहुत सारी चीज़ें आप सीखते हो, बहुत सारी चीज़ें सही लगती है, पर जो सबसे सही चीज़ लगती है वो है शूट खत्म। अब बारी है पोस्ट प्रोडक्शन की, आसान शब्दों में एडिटिंग। भाई कमाल की चीज़ है, मतलब ऐसा लगेगा जैसे जादू हो। आपको समझ ही नहीं आएगा कब एडिटर ने आपको पागल बना के फ्रेम चेंज कर दिया। सही कर रहे हो, चलो डन है फिर, नेक्स्ट करते हैं।
तो ये सारी जद्दोजहद और एक डेढ़ महीने का टाइम लगाने के बाद बनती है ऐसी एक वीडियो। अब कुछ लोग थोड़े फास्ट होते हैं, वो तीन दिन चार दिन एक हफ्ते में एक वीडियो बना देते हैं। हम नहीं है उतने फास्ट, क्योंकि वो हैं और हम हैं। और ये मैं आपको नहीं बता रहा, ये मैं बता रहा हूँ अपने घर वालों को, जो बोलते हैं महीने की तीन वीडियो एटलीस्ट डाला करो। कैसे कैसे बनेगी हफ्ते में एक वीडियो ऐसी? तो मुद्दे की बात लेकिन ये है कि अपने मेन चैनल पे 4 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया और ऐसा और कंटेंट आगे देखना है, क्योंकि मैं तो बनाऊंगा ही। और सब्सक्राइब कर लोगे तो अच्छा लगेगा कि नंबर्स भी हैं। नहीं, मैं तो बनाऊंगा ही, कोई दिखे तो सब्सक्राइब करवा देना उसे भी और खुद भी कर लेना। बाकी मिलते हैं नए वीडियो के साथ इस पे या मेन चैनल पे। आप तो दो जगह हैं हमारे पास डिसअपॉइंट करने के लिए।